bald head like Amber Rose. Tight look right, it's a camel toe. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खरीत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स, ये मुझे एक दो वीडियो पे मैंने पहले कमेंट्स पढ़े हैं कम्युनिटी में से, तो कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे लिखा है कि आप ये बार बार व्यूअर्स ना कहा करें। तो अच्छा, ये मेरी आदत बन गई है, मैं कोशिश करूँगी कि बार बार व्यूअर्स नहीं कहूँगी। तो जैसे आप लोगों को जिस तरह अच्छी लगेगी वीडियो वैसे बनाएंगे, क्योंकि अब मेरे तकरीबन 550 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये आप सब लोगों की सपोर्ट है मुझे। आप मुझे फॉलो करते हैं और कमेंट्स करते हैं और मुझे बताते हैं कि ऐसे वीडियो बनाया करें और ऐसे वीडियो बनाया करें। सब लोगों की इतनी सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ और मेरे 550 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये आप सब लोगों का, आप सब लोगों की सपोर्ट है, प्यार है। तो ठीक है जी, आंदा मतलब इरिटेट होते होंगे कुछ लोग व्यूअर्स व्यूअर्स बार बार कहने से, तो आइंदा ख्याल किया जाएगा। वैसे आप लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं वो सारे ही मेरे व्यूअर्स होते हैं, तो उन्हें जाहिर है व्यूअर्स ही कहना होता है। चलें, जिन लोगों को मसला है तो फिर उनकी बात मानी जाएगी। मैं अपनी ज़्यादातर वीडियो में आइंदा ख्याल रखूँगी कि आप लोगों को व्यूअर्स ना कहा करूँ। तो ठीक है जी, तो हम यहाँ पे आए थे रात को एंडेवर पे, क्योंकि यहाँ से लेने थे लड़कों ने शूज़, तो इसलिए इनकी लड़कों की शॉपिंग बहुत मुश्किल होती है। उन्हें भी हम सोचते थे कि लड़कियों को कुछ पसंद नहीं आता, तो लड़के जो होते हैं ना उन्हें भी बिल्कुल कुछ पसंद नहीं आता। आजकल के लड़के भी लड़कियों की तरह बन गए हैं कि बड़ी मुश्किल से उनकी शॉपिंग होती है या उन्हें कुछ पसंद होता है। यहाँ पे हम लोग इन्हें शूज़ दिखा रहे थे कि ये वाले ले लो, ये वाले ले लो। कोई पहनते तो कहते हैं पाँव में ऐसे लगते हैं, कोई वैसे लगते हैं, हर किसी चीज़ में नुक्स निकालते थे। वैसे तो एंडेवर पे, बाटा पे, सर्विस पे, बुरजान पे, सारे जो ब्रांड्स हैं यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, और मतलब 50 अप टू 50 है ऑफ। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब जो एक्सपेंसिव शूज़ भी होते हैं ना वो भी काफ़ी सस्ते मिल रहे थे, तो इसलिए यहाँ से फिर शूज़ लेने आए थे। और बाटा पे भी देखे थे और साथ सर्विस थी वहाँ पे भी देखे थे। काफ़ी सारी शॉप्स जो हैं हमारे यहाँ सिटी में, वहाँ सब पे चेक किए थे, लेकिन यहाँ पे ना एंडेवर पे जो होती है ना वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और बाकी शॉप्स पे इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती जो कि वहाँ से कुछ ख़रीद सके। एंडेवर की दो शॉप्स हैं हमारे सिटी में और दो में से जो एक है मेन रोड पर है, वहाँ से जो है ना अच्छी खासी वैरायटी मिल जाती है शूज़ की। लड़कों की भी काफ़ी वैरायटी होती है और लड़कियों की भी। पिछले दिनों एक दो दिन अभी गुजरा है, हम लोगों ने एंडेवर से काफ़ी शूज़ वगैरह लिए हैं जो कि ईद आने वाली है, ईद की शॉपिंग है, तो वो अभी तक हम लोगों ने आप लोगों से शेयर नहीं की। वो वाला व्लॉग अभी मैंने अपलोड नहीं किया, वो थोड़ा ईद के करीब ही व्लॉग अपलोड करेंगे कि ईद पे हमने क्या क्या चीज़ ली है। वो आहिस्ता आहिस्ता जो जो शॉपिंग हो रही है, जो चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कपड़े सिलाई वगैरह हो के आ जाएंगे तो वो हम अपने व्यूअर्स से शेयर करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ ली थी और क्या क्या शॉपिंग की थी। अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ी मुश्किल से ही कोई शूज़ पसंद आ रहे हैं। जो पसंद आ रहे हैं उनका साइज़ अवेलेबल नहीं है और जो पसंद नहीं है उनमें साइज़ अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अब हम बाटा पे आ गए थे। हम लोगों ने सोचा कि साथ ही बाटा की शॉप है तो बाटा पे भी चेक कर लेते हैं डिज़ाइन शूज़ के। यहाँ पे भी काफ़ी प्यारे हैं शूज़ वगैरह, लड़कियों के भी काफ़ी प्यारे हैं, क्योंकि लड़कियों के हम लोगों ने नहीं लेने थे। पिछले दिनों हमने सारी जो शॉपिंग है ना यहाँ से शूज़ वगैरह की वो कर ली है और काफ़ी सारे शूज़ जो है ना वो हम ऑनलाइन ही बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लड़कों के होते हैं ना तो वो फिर साइज़ का थोड़ा मसला हो जाता है, इसलिए वो ऑनलाइन इतने नहीं होते, तो इसलिए फिर हम ना जाके वहाँ से लेते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सर्विस के साथ ये अब सर्विस पे आ गए हैं, पहले बाटा पे थे और एंडेवर पे भी शूज़ देखे हैं। वहाँ पे एक दो पसंद किया है, लेकिन हम लोगों ने कहा है चलो एक दो शॉप और देख लेते हैं, अगर वहाँ से कोई और पसंद आ गया तो वहाँ से ले लेंगे। एंडेवर पे तो हमें एक दो शूज़ पसंद हैं जी। तो व्यूअर्स ये देखें, यहाँ से फिर हमें कहीं पर भी कोई चीज़ पसंद नहीं है और हम फिर वापस एंडेवर पे आ गए हैं। तो यहाँ पर जी शूज़ ये पसंद आ गए हैं और फाइनली ये देखें जी शूज़ हम लोगों ने ख़रीद लिए हैं। उसके बाद अब मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, आंधी शुरू हो गई थी, तो व्यूअर्स अब हम आ गए थे बाहर। यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि
हाँ जी, फ्रेश जूस वालों के पास चलो यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं। तो पहले तो इरादा था कि कोई आइसक्रीम वगैरह खाएंगे, लेकिन मैंने कहा है कि नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। वैसे ना इंसान ना, जो चीज़ इंसान को जिस चीज़ के बारे में पता ना हो ना, वो कभी भी ऑर्डर नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने मेन्यू मंगवाया है, तो मेन्यू में देखा सारी चीज़ें, जूस वगैरह थे, शेक थे, फ़ास्ट फूड भी इनके पास था, बिरयानी थी, स्वीट्स में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं इनके पास, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे कुछ समझ नहीं आई। मेरे कज़नों ने कहा है कि हम तो आइसक्रीम खाएंगे, मैंने कहा है, मैं और मेरा एक और कज़न है ना, तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम आइसक्रीम नहीं खाते। हम लोगों ने कहा कि हम शवारमा प्लेटर खाते हैं। वैसे शवारमा नॉर्मल तो खाते रहते हैं, मुझे वैसे पसंद नहीं है। मैंने कहा चलो शवारमा प्लेटर, इसमें कुछ चेंजिंग होगी। तो ये शवारमा प्लेटर व्यूअर्स ने वहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था, ये अभी आप लोगों से शेयर करेंगे। और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इंसान कभी भी वो चीज़ ऑर्डर ना करे जिसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन ना हो, जिसके बारे में उसे पता ना हो कि ये क्या चीज़ है, ये कैसी आएगी। ऐसे न्यू चीज़ें देख के और लिखी हुई चीज़ें देख के नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने ये मंगवाया था व्यूअर्स, ये देखें उन लोगों ने क्या किया, ये शवारमा प्लेटर है। अब इसको देख के फिर क्या कहा जा सकता है, आप खुद ही बताएं। शवारमे का जो सारा मतलब सामान जो उसमें चिकन वगैरह डालते हैं, मायोनीज डालते हैं, उन लोगों ने वो अलग-अलग डाल दिया, और उसके साथ जो ब्रेड है वो भी अलग-अलग डाल दिया। तो ये देखें व्यूअर्स, ये अब प्लेटर आ गया था मेरा और मेरे कज़न का। वैसे और सब ने आइसक्रीम मंगवाई थी, ये देखें उन्होंने हर चीज़ ना मतलब शवारमा हमें खोल के ना तो उन्होंने दे दिया है। ये अब जी इधर हमारी सिटी में जी बकर शवारमे का प्लेटर है। वैसे तो बड़ी सिटी में जो प्लेटर होते हैं उनमें कितनी डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मैंने भी यही समझा था, वैसे मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि शवारमा खोल के प्लेटों में ला के हमें दे देंगे कि ये लें जी ये शवारमा प्लेटर है। तो इसीलिए व्यूअर्स मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जिस चीज़